साथियों, विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें इस अमृतकाल में फोर पिलर्स पर फोकस करना है। मैं इन्हें अमृत स्तंभ भी कहता हूं। ये अमृत स्तंभ है हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारी श्रम शक्ति और हमारी उद्यम शक्ति। इसमें हमारे गरीब, श्रमिक, किसान, पशुपालक, मछुआरे, व्यापारी, विद्यार्थी, नौजवान, हर कोई शामिल है। इनका सशक्तिकरण और इनका आत्मविश्वास बढ़ाना और उनको अनेक विध अवसर उपलब्ध कराना, ये समय की मांग है, बहुत आवश्यक है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, इनकी आकांक्षाओं की पूर्ति करना, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। एक जमाना था जब सुविधाओं के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब हमारी सरकार लाभार्थियों के दरवाजे तक पहुंच रही है। इसलिए 15 नवंबर को ही देशभर में हमने विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की है। देश में हो रहे विकास का लाभ सभी तक पहुंचे, कोई पीछे न छूटे, यही हमारा लक्ष्य है। साथियों, इस अमृतकाल में आज की युवा पीढ़ी को जागरूक करने में, सशक्त करने में आप सभी की, श्री रामचंद्र मिशन की भूमिका कई गुना बढ़ गई है। इसलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है, हाल में हमने देश की युवा शक्ति को राष्ट्रीय संकल्पों से जोड़ना के लिए मेरा युवा भारत यानी माय भारत नाम से बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। ये देश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ से सीधे जोड़ने का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, संगठन है। हमारा युवा ड्रग्स और दूसरी नेगेटिविटी से दूर रहे और माय भारत जैसे मिशन से जुड़े, इसमें आप सबका सहयोग भी उसे नई ताकत दे सकता है, नई ऊर्जा दे सकता है, नई प्रेरणा दे सकता है।